फाइल पर सिर्फ और सिर्फ ओवरसीज ब्लॉक मेंशनड है, इसमें ये नहीं मेंशन कि ओवरसीज ईस्ट है, ओवरसीज प्राइम है या फिर ओवरसीज सेंट्रल है। ये सवाल मेंबर्स की तरफ से सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा था, तो मैंने सोचा इस पर डिटेल से वीडियो बना दूँ ताकि मेंबर्स को इस हवाले से तमाम अपडेट्स मिल सकें। ओवरसीज़ अगर आपकी फाइल पे मेंशन है, जब सोसाइटी ने बुकिंग स्टार्ट की थी कैपिटल स्मार्ट इनिशियली 2018 में ओवरसीज़ ब्लॉक की, तो सिर्फ ओवरसीज़ ब्लॉक मेंशन होता था, उसमें ओवरसीज़ वन, ओवरसीज़ टू, ओवरसीज़ सेंट्रल, ओवरसीज़ प्राइम मेंशन नहीं होता था। सिवाय ओवरसीज़ प्राइम की फाइल्स के जो डायरेक्टली 40% बुकिंग के साथ सोसाइटी ने ऑफर दी थी कि आप मैप पे सिलेक्शन के साथ प्लॉट सेलेक्ट कर सकते हैं, उसमें ओवरसीज़ प्राइम वन आपके लेटर्स पे मेंशन था। बाकी जितने भी डिस्ट्रिक्ट आज तक लॉन्च हुए हैं उसमें सिर्फ एग्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट या फिर ओवरसीज डिस्ट्रिक्ट मेंशन होता है। अब तो कौन से मेंबर्स हैं जो इस बैलेटिंग में क्राइटेरिया के मुताबिक फॉल करते हैं? अगर आपकी फाइल पर सिर्फ और सिर्फ ओवरसीज मेंशन है, इट डजेंट मीन कि आप इस बैलेटिंग में फॉल नहीं करते। सोसाइटी की तरफ से जो निकाली गई है नोटिफिकेशन, उसके मुताबिक अगर आपके प्लॉट की 100% अमाउंट क्लियर है बाय 17 फरवरी 2023, तो आप उस बैलेटिंग के लिए अहल हैं। ना सिर्फ अहल हैं, आपको सिलेक्शन का मौका भी दिया जाएगा। अगर आपके प्लॉट में यानी कि 25 फरवरी तक ड्यूज क्लियर होते हैं, तो आपको जनरल बैलेट में शामिल किया जाएगा, यानी सोसाइटी की तरफ से आपको ऑटोमेटिकली प्लॉट नंबर्स एलोकेट हो जाएंगे। अब सोसाइटी के पास हमेशा रिजर्व इन्वेंट्री मौजूद रहती है, जैसे ओवरसीज ईस्ट ब्लॉक है उसकी 10-15% इन्वेंट्री सोसाइटी के पास रिजर्व है विलास के लिए। जो आपको मैप के ऊपर ब्राउन हुए बॉक्सेस नजर आते हैं, उन बॉक्सेस में आपको देख ले तकरीबन नहीं ज़्यादा नहीं तो तकरीबन 1500 से 2000 प्लॉट जो होगा उन बॉक्सेस में रिजर्व पड़ा हुआ है। अब उनमें से तकरीबन 300 से 400 प्लॉट्स हैं जिन पर विलास कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं। रिमेनिंग प्लॉट सोसाइटी ने फैसला किया है कि वो प्लॉट जनरल मेंबर्स को एलोकेट कर दिए जाएंगे, सब्जेक्ट टू कि उन मेंबर्स की अपनी बुकिंग से लेके एंड तक तमाम की तमाम इंस्टॉलमेंट्स क्लियर हों, और इंस्टॉलमेंट्स क्लियर होने के साथ साथ उन्होंने अपने तमाम जो अगर डेवलपमेंट चार्जिंग पे एप्लीकेबल होते हैं तो वो भी क्लियर क्यों, यानी कि आपके प्लॉट में या आपके लेजर में कोई चीज़ आपकी ड्यू इंस्टॉलमेंट ना हो तो आप उस बैलेटिंग में फॉल करते हैं, वो ओवरसीज ईस्ट की बैलेटिंग हो या ओवरसीज सेंट्रल की बैलेटिंग हो। अब ओवरसीज ईस्ट ओवरसीज सेंट्रल की जो कन्फ्यूजन है उसके बारे में एक्सप्लेन कर दूँ। ओवरसीज ईस्ट में वो मेंबर्स फॉल करेंगे जिन मेंबर्स की बुकिंग की अमाउंट जो थी वो 19,50,000 के प्लॉट की थी 5 मरला, जिन मेंबर्स की 33 लाख के प्लॉट की बुकिंग थी या 36 लाख के प्लॉट की बुकिंग थी 10 मरला, जिन मेंबर्स की इनिशियल बुकिंग जो थी वो 49,75,000 की थी ओवरसीज की किनाल की, और सेकंड बुकिंग जो आई थी वही थी 54 लाख रुपए की। तो मैं रिपीट करता हूँ, 19,50,000 5 मरला में और 21 लाख 5 मरला में जो पहली दो बुकिंग थी। जो 10 मरला के प्लॉट थे जिसमें 33 लाख का प्लॉट था और 36 लाख का प्लॉट था वो मेंबर्स, और नंबर थ्री पे किनाल के मेंबर्स कि जिन मेंबर्स के पास प्लॉट की एलोकेशन थी वो 49,75,000 वाला प्लॉट था यहाँ पे 54 लाख वाला प्लॉट था जो ओवरसीज ईस्ट के टाइम में लॉन्च हुए थे, रेट्स ओवरसीज ईस्ट के ब्लॉक के लिए लॉन्च हुए थे। अगर आपके ड्यूज अमाउंट क्लियर हैं तो आप इस बैलेटिंग में फॉल करते हैं। ये तो हो गए 5 मरला 10 मरला और 1 नाल के मेंबर्स ओवरसीज ईस्ट के लिए। अब जिन मेंबर्स के पास प्लॉट नंबर है, प्लॉट की अमाउंट पेड है 7 मरला 12 मरला की, 25,90,000 वाली फाइल है या 27,40,000 वाली फाइल है, वो मेंबर्स ओवरसीज ईस्ट में 7 मरला की बैलेटिंग के लिए क्वालिफाई करते हैं। और जिन मेंबर्स के पास 37,80,000 और उसके अलावा 39,60,000 वाली फाइल है, वो मेंबर्स भी 12 मरला की फाइल लेके अपनी ओवरसीज ईस्ट की बैलेटिंग में क्वालिफाई करते हैं। अगेन सब्जेक्ट टू कि आपकी अमाउंट ड्यूज की सारी की सारी क्लियर हो तो आप तब इसमें क्वालिफाई करते हैं। अब मैं इसको जरा ओवरसीज सेंट्रल का एक्सप्लेन कर दूँ। जिन मेंबर्स के पास 24,15,000 वाली बुकिंग मौजूद थी और जिन मेंबर्स की 24,15,000 के बाद कोई बुकिंग लॉन्च नहीं की गई ओवरसीज सेंट्रल की 5 मरला में, 7 मरला में जिन मेंबर्स के पास 31,51,000 वाली बुकिंग मौजूद थी वो मेंबर्स, और जिन मेंबर्स के पास 10 मरला के केस में 41,40,000 वाली बुकिंग मौजूद थी वो मेंबर्स, और किनाल के केस में जिन मेंबर्स की 62,10,000 वाली बुकिंग थी वो मेंबर्स, वो तमाम के तमाम मेंबर्स जो है वो ओवरसीज सेंट्रल की बैलेटिंग के लिए वो डेफिनेटली वो इसमें फॉल करते हैं इस बैलेट में, क्योंकि उन मेंबर्स के पास ओवरसीज सेंट्रल या ओवरसीज टू जो प्रीवियस नाम था इसका, उसकी बुकिंग लॉन्च के रेट्स हैं, सब्जेक्ट टू कि आपकी अमाउंट 100% क्लियर हो या आपने 80% जो नोटिफिकेशन के मुताबिक अमाउंट है क्लियर की हो तो आप इस बैलेटिंग में फॉल करते हैं। तो आपकी फाइल पर अगर ओवरसीज मैंशनड है तो आप फाइल का जो सेकंड पेज होता है उस पर देखें तो आपको उसका लेजर मिल जाएगा जिस पर रेट्स मेंशन होते हैं, 19,50,000 5 मरला और 21,05,000 ओवरसीज ईस्ट, 24,15,000 5 मरला ओवरसीज सेंट्रल, 7 मरला केस की बात करें 25,90,000 27,40,000 ओवरसीज ईस्ट, 31,51,000 ओवरसीज सेंट्रल, 10 मरला की बात करें 33 लाख और 36 लाख ओवरसीज ईस्ट, और 41,40,000 की बात करें तो ओवरसीज सेंट्रल। अगर हम बात करें 12 मरला के प्लॉट की तो 37,80,000 और 39,60,000 रुपये ओवरसीज ईस्ट, 41,40,000 ओवरसीज सेंट्रल, और अगर हम बात करें 12 किनाल के प्लॉट की तो 49,75,000 और 54 लाख रुपया ओवरसीज ईस्ट,
और अगर 62 लाख 10 हज़ार की बात करें तो ओवरसीज सेंट्रल आप इस बैलेटिंग में फॉल करते हैं। ये कन्फ्यूजन थी मेंबर्स के दरमियान में, तो मैं सोचा इसको एक वीडियो बना दूं, क्योंकि मुझे कल मैं लाइव जब आया था तो उस पर बहुत ज्यादा सवाल पूछा गया था, और इसके अलावा मेंबर्स के मैसेज भी बहुत सारे आ रहे हैं सवाले से, तो मैंने इसको डिटेल से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। वेल व्यूअर्स, दिस वाज इट फ्रॉम डे। अगर आपको कैपिटल स्मार्ट या लाहौर स्मार्ट में बुकिंग के बारे में कुछ मालूम चाहिए तो दिए गए नंबर पर रब्ता करें। इसलिए हमारी वेबसाइट विजिट करना मत भूलें, www.makansolutions.com। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। रिजवान चीमा को दीजिए इजाजत, अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।